शक्ति का उदय हुआ है जी। और एक मजबूत शक्ति के रूप में हम लोग उभरे हैं। यहाँ कोई नहीं कह सकता था कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी की कोई जगह है। हम लोगों ने 2 महीने में सिंबल मिला, उसको लोगों तक पहुंचाने में प्रयास किया और उसके बावजूद हम लोग जितनी सीटें जीत रहे हैं, जितना प्रतिशत वोट हमको मिल रहा है, उससे हमको बहुत संतोष है। हमने छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। 2 पार्टी सिस्टम की जगह यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी का भी उदय हो गया। सर, लेकिन ये तो ख्वाहिश थी किंग मेकर बनने की, अब वो कोई नजर नहीं आ रही, किंग मेकर बनते नजर नहीं आ रहे आप? देखिए, ये तो रिजल्ट पर निर्भर करता है। काउंटिंग चल रही है। ये बात जरूर है कि ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में भाजपा के बहुत खिलाफ वातावरण था। लोग भाजपा को हटाना चाहते थे, विकल्प की तलाश में थे, तो विकल्प के रूप में उनको कांग्रेस ही दिखी, क्योंकि वो एक 150 साल पुरानी एस्टेब्लिश्ड पार्टी है। इसलिए कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं मिला कि उसने अपने आप को एक विकल्प के रूप में स्थापित किया। कोई संघर्ष नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी लोगों ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया था और कांग्रेस के पक्ष में रुझान जा रहा है। वैसे अभी काफ़ी समय बचा है और अंतिम रिजल्ट आना शेष है, पर जो कुछ अभी आ रहा है उसे देखकर मैं यही कहूँगा कि पहली बात, हमें बहुत संतोष है कि हम लोगों ने प्रदेश में एक तीसरी शक्ति हमेशा के लिए स्थापित कर दी। आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, कांग्रेस के साथ आप नहीं हैं, ये फाइनल के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है इसको, आप 19 का चित्र कैसे देखते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, आप पूरे कैंपेन में आपने कहीं भी गांधी परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं की, कैंपेन आपका अच्छी तरह से चला, पार्टी के बारे में आपने कहा, क्या अगर जरूरत नहीं लेकिन अगर आपको न्योता मिलता है कि आइए साथ मिलकर एक स्थिर बनाते हैं सरकार, तो क्या आप जाएंगे? अगर बोलते हैं आइए, ये बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है। और जहाँ तक मेरे कैंपेन का सवाल है, उसमें मैंने ज़्यादातर व्यक्तिगत आक्षेप ना भाजपा के लोगों पर लगाए, ना कांग्रेस के लोगों पर लगाए। मेरी अपनी एक छवि है, मेरी अपनी एक स्टाइल है, मैं उस तरह से अपनी बात लोगों के सामने रखता हूँ। और जहाँ तक गांधी नेहरू परिवार का संबंध है, सब लोग बार बार पूछते हैं, जब मैं अलग हुआ तो मैं किसी कटुता को लेकर अलग नहीं हुआ था। कांग्रेस में मुझे कुछ नहीं मिल रहा ऐसा नहीं था। कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो जिसमें 20 लोग होते हैं, जो पूरी कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं, मैं उसका सबसे लंबे समय से सदस्य रहा था। तो कांग्रेस दुखी होकर मैंने नहीं छोड़ी। मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ न्याय हो, और छत्तीसगढ़ के साथ न्याय ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ नहीं कर सकती, क्योंकि इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है। एक क्षेत्रीय पार्टी बनेगी तो जितने हमारे संसाधन हैं, हीरा है, सोना है, कोयला है, लोहा है, सीमेंट है, बिजली है, जंगल है, धान का कटोरा है, इतने संसाधनों के होते हुए छत्तीसगढ़ में 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसका हाल मुझे यही दिखता है कि जब यही की सरकार बनेगी, ये तो प्रथम प्रयास था, और जहाँ भी तीसरी शक्ति का उदय हुआ प्रथम प्रयास में, इसी तरह के परिणाम आते हैं। ये प्रयास जारी रहेगा। 19 का चित्र कैसे देखते हैं सर, ये आज के नतीजे क्या आप दिखाते हैं, आगे क्या? 19 का चित्र मुझे ये लगता है, मोदी जी का ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा है, भाजपा का ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा है, और उसका लाभ कांग्रेस अगर उठा सकेगी तो कांग्रेस के पक्ष में अच्छे रिजल्ट आएंगे। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत होगी इन सब जो परिणाम आ रहे हैं? ये तो देखिए,
केवल एक प्रदेश या दो प्रदेश के परिणाम से अब राष्ट्रीय दावेदारी तय नहीं होगी, पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है और वो मिलकर क्या तय करते हैं, अपने में से नेता चुनेंगे या राहुल गांधी को नेता चुनेंगे या अन्य किसी को नेता चुनेंगे, ये 19 के चुनाव के बाद पता चलेगा। कांग्रेस ने विपक्षी दलों को सबको साथ में बुलाया था, आप नहीं पहुंचे, क्या अब आगे जाकर 19 के लिए आप जाएंगे, कांग्रेस की जो पुकार है उसके साथ आप क्या शामिल हो सकते हैं, क्या ये संकेत मिलते हैं? देखिए, मुझे अभी किसी ने बुलाया नहीं, अगर बुलाएंगे उस समय मैं सोचूंगा।